देखो ये कितने क्रिस्पी बने हैं और इनमें आलू मिक्सचर फिलिंग करने में कोई भी कंजूसी नहीं की। जैसे ही आप इन्हें खाएंगे सभी मसालों का टेस्ट आपके मुंह में घुल जाएगा। अगर आपने ये सीख लिया कि इन्हें बाइंड करते हुए पानी कितना लगाना है तो आपके ब्रेड रोल्स कभी भी नहीं फटेंगे। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल्स। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि ब्रेड रोल्स में कौन से मसाले डालने चाहिए, या फिर जब वो ब्रेड रोल को तेल में तलते हैं या तो उनके ब्रेड रोल खुल जाते हैं या फिर फट जाते हैं। क्या हम ब्रेड रोल को ब्राउन ब्रेड से बना सकते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के साथ मैं एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करूं, तो उस रेसिपी से आपके सभी क्वेश्चंस का हल हो जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और घंटी भी बजा दो यार, ताकि आप सबको मेरी नई अपलोड्स की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया है और ऊपर की इसकी स्किन रिमूव कर दी है। इनको मैं एक बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी और अब हम इन आलू को करेंगे मैश। आप यहाँ पे फॉक से या फिर अपने हाथों से भी इनको मैश कर सकते हैं, क्योंकि आलू हमारे अच्छे से उबले हुए हैं तो ये बहुत जल्दी ही अच्छे से मैश हो जाएंगे। आलू को उबालने के लिए आप उनको कुकर में 2 सीटी लगवा दें तो आपके आलू बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। आलू मैश करने के बाद हम डालेंगे अपने बाकी के कटे हुए इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चॉप अनियन। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इनको मैंने डाल लिया अपने आलूओं वाले बॉल में। उसके बाद डाल रहे हैं हरी मिर्च। यहाँ मैंने 3 छोटी हरी मिर्च को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और उसके बाद धनिया पत्ता। यहाँ मैंने ताजे धनिया पत्ते लिए थे और उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इनको भी हम डाल लेंगे अपने आलूओं वाले मिक्सचर में। और सबसे आखिरी में डालेंगे अदरक। ये लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने बहुत अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। सभी कटे हुए इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा और सॉल्ट एज पर टेस्ट। आखिरी में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन, जिसको मैं अपनी हथेलियों में हल्का सा रगड़ रही हूँ जिससे थोड़ी सी बारीक हो जाएंगी और अपना फ्लेवर छोड़ देंगी। अजवाइन सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, तो ब्रेड रोल में इसको जरूर डालें। आलू मिक्सचर के सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे डल गए हैं। अब हम इनको अपने हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि सभी चीजें आपस में मिल जाए और सभी मसाले एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारे बैटर में घुल जाए। आलू के मिक्सचर का कलर कितना अच्छा आया है और देख के ही पता लग रहा है कि कितने चटपटे और मसालेदार बना होगा। और आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि ये कैसा बना है। मसाला हमारा बन के तैयार है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 व्हाइट ब्रेड जिनसे हम बनाएंगे अपने ब्रेड रोल्स। तो सबसे पहले हम अपने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं चारों साइड से अपने ब्रेड के कॉर्नर्स को रिमूव कर रही हूँ। आप सोचेंगे क्या ये करना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी कि ज़रूरी तो नहीं है। बिना कॉर्नर्स कट किए भी ब्रेड रोल्स बन जाते हैं, पर फिर उनकी शेप अच्छे से गोल नहीं आ पाती, क्योंकि ये कॉर्नर्स फोल्ड होते हुए एक जगह इकट्ठे से हो जाते हैं और फिर फ्राई के टाइम इनके फटने का भी डर रहता है। ब्रेड हो गए हैं हमारे कट, इनको हम साइड में रख देते हैं। और इन ब्रेड कॉर्नर्स को आपको फेंकना नहीं है, इनसे आप बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स या फिर ब्रेड का पोहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके यूजेस की वीडियो शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आता है हमारा मेन स्टेप। आप देखेंगे कि मैं ब्रेड को पूरा पानी में नहीं डुबो रही हूं। एक बार एक साइड, एक बार दूसरी साइड, बस हल्का सा पानी में इनको टच कर रही हूं। आपको भी यही करना है और फिर उसके बाद अपनी हथेलियों में इनको दबा के सारा पानी निकाल लेना है। अब हम करेंगे इसमें अपने आलू की फिलिंग। आप देखेंगे कि मैंने इसमें आलू बिल्कुल भी कंजूसी से नहीं डाला, बल्कि भर के डाला है। अभी क्योंकि हमारी ब्रेड गीली है तो ये बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाएगी और रोल की शेप ले लेगी। एक बार जब इनके कॉर्नर्स बंद हो जाएंगे तो आप इनको अपनी हथेली में हल्के हाथों से दबाएं। इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी,
ताकि आप जब इनको फ्राई करें तो उस टाइम ये खुले ना। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ब्रेड रोल बन गया है। अब मैं बताऊंगी ब्रेड को रोल करने का दूसरा आसान तरीका। इसमें हम ब्रेड के ऊपर अपने हाथों से पानी के छींटे मारेंगे। आप देखेंगे कि कैसे थोड़े से पानी के छींटे मारने के बाद हम फिर से अपनी हथेली से दबा लेंगे ताकि सारा पानी निचुड़ जाए। अब हम ब्रेड में फिल करेंगे अपनी आलू की फिलिंग। तो दो चीजें इस स्टेप में मेन है, एक पानी कम लगाना है और दूसरा सारा पानी निचोड़ लेना है हथेली में दबा के। ये हो गई हमारी व्हाइट ब्रेड। अब मैं ब्रेड रोल बना के दिखाऊंगी आपको ब्राउन ब्रेड के साथ। स्टेप्स बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है। ब्रेड रोल व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों से बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर व्हाइट ब्रेड से ज्यादा स्वाद बनते हैं तो आप भी व्हाइट ब्रेड से ही बनाना प्रेफर करें। लो, ब्राउन ब्रेड से भी बन गया हमारा ब्रेड रोल, जो कि काफी अच्छे से बन गया। तो दो आलू से हमने बनाए हैं 9 ब्रेड रोल्स। फ्राई करने से पहले हमें इन्हें रखना है 15 मिनट फैन के नीचे, जिससे इनका सारा मॉइस्चर सूख जाएगा और ये बनेंगे बहुत क्रिस्पी। और अब करेंगे हम इनको फ्राई। मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए घी यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या किसी और तेल के अंदर भी इनको फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल लेंगे अपने ब्रेड रोल्स। मैं यहाँ पे एक बार में 3 ब्रेड रोल डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। फ्लेम को हमें इस टाइम पे मीडियम पे रखना है। लो पे आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा तेल पी जाएंगे, और अगर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, और जब ये एक तरफ से सिक जाएं तो चम्मच से इसको दूसरी तरफ पलट दें ताकि ये हर तरफ से यूनिफॉर्म तरीके से पक जाएं। ये धीरे धीरे सिक रहे हैं और इनको हम थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से रोटेट करते रहेंगे और इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसा कि हमें चाहिए। ब्रेड रोल हो गए हैं हमारे फ्राई, तो अब हम इनको निकाल लेंगे अपने किचन टॉवल के ऊपर। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आया है। किचन टॉवल पे निकालने से फायदा यह है कि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल किचन टॉवल सोख लेता है। अब हम फ्राई करेंगे अपना नेक्स्ट लॉट। अब फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 ब्रेड रोल्स। आपको सुनाती हूँ इनकी आवाज, ये देखिए, बड़े है ना ये क्रंची एंड क्रिस्पी। जब आप सेकेंड लॉट डालें तो आप ये ध्यान रखें घी का टेम्परेचर मीडियम ही हो, ना ये ठंडा हो गया हो ना ही ये काफी गर्म हो। तो फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है। ब्रेड रोल हमारे बनके तैयार है, इनको सजा लेते हैं प्लेट में। आप इनको हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हॉट सॉस और टोमेटो केचप लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेड रोल को कट करके। ये देखिए इसका क्रंच और अंदर भरपूर आलू की फिलिंग, जो बहुत ही अच्छे से पक गई है, और इसका कलर तो आप देख सकते हैं अच्छा आया ही है। भी आपके घर कोई मेहमान आए या फिर आपके घर कोई पार्टी हो तो आप इन ब्रेड रोल्स को बहुत ही आसानी से बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। ब्रेड रोल्स हमारे बनके तैयार हैं। चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं। ये बहुत ही चटपटे बने हैं और बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। अगर आपने इसके अंदर डालने वाले मसालों का प्रोपोर्शन सीख लिया तो आपके ब्रेड रोल कभी गलत बन ही नहीं सकते। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे ब्रेड रोल बनाने का ट्राई जरूर करना, और जब भी आप बनाएं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना, और अगर अच्छे नहीं बने तो भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके शेयर करना।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे मुझे पता लगता रहता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।